लेमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। डॉक्टर कफील मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को, जिसमें उसने डॉक्टर कफील के ऊपर लगाए गए एनएसए को रद्द किया था और उनका जो भाषण, जिसको कथित विवादित भाषण बताया गया था, उस पर टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि इस भाषण में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है और ये भाषण प्रथम दृष्टया ही समाज को जोड़ने वाला, राष्ट्रीय इंटीग्रिटी को, एकता को मजबूत करने वाला है। और उसने ये भी टिप्पणी की थी कि अलीगढ़ के जो डीएम थे तत्कालीन, उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके उसकी मनमाना व्याख्या की थी और उसके आधार पे उनके ऊपर मुकदमा लादा गया। बावजूद इसके ये सवाल लगातार उठता रहा और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी किया। पिछले दिनों उस फैसले को चैलेंज करते हुए योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है। एक तरह से ये टिप्पणी योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पे जोरदार तमाचा है और उनकी कुंठा को आईना दिखाना है कि जब आपका हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट इस तरह का जजमेंट दे रहा है तो उस पर आप अमल करते, ना कि उसको आगे आप आकर के चैलेंज करें हमारे यहाँ। तो ये योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। अगर योगी जी के अंदर थोड़ी भी शर्म हो, थोड़ी भी नैतिकता बची हुई हो, हालांकि ये है नहीं, तो उनको चाहिए कि वो कफील के घर जाए, एक ही जिले का मामला है, जा करके पैर पकड़ के माफ़ी मांगे और राजधर्म का निर्वहन करें।